किंगफिशर, रैडलर, ये बियर नहीं है, ये कोई नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है जो किंगफिशर कुछ महीने पहले लेके आया था इंडियन मार्केट में। मैंने एक बार ये पिया था और लेकिन मैं सोबर होके इतना बोर हो गया, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैंने आजकल पीना बंद किया हुआ है। आजकल नहीं, आज कल पूरे साल मैंने नहीं पिया है, आज 25 अप्रैल है। तो इसका आज रिव्यू करेंगे। ये बॉटल मेरे फ्रिज में कम से कम 3 महीने से बैठी हुई है, वो इसलिए बिकॉज इसका टेस्ट इतना अच्छा है कि मुझे बिल्कुल पीने का दिल नहीं करता। मैं कितना झूठ बोलता हूँ, अरे नहीं झूठ नहीं बोलता, हाँ मार्च 2019 में ये मैन्युफैक्चर हुई थी, तो ये एक्सपायर भी हो चुकी है भाई साहब, 3 महीने से ज़्यादा बैठी हुई है मेरे फ्रिज में। चलिए कोई नहीं, वैसे ही इसका टेस्ट इतना ख़राब है, शायद एक्सपायर होकर इसका टेस्ट कुछ बेटर हो गया होगा। जय बजरंग बली। मुझे नहीं पता आपने कभी हाजमोला खाई है, लेकिन यकीन मानिए जो बहुत ही गंदा हाजमोला का फ्लेवर आता है ना, अगर आप उसको अदरक के साथ मिक्स करेंगे ना और उसको ठंडे पानी में डालेंगे 10 साल, तो शायद कुछ ऐसा टेस्ट करेगा। कई लोगों को ये टेस्ट पसंद भी आएगा, क्योंकि दुनिया बड़ी अजीब है, लोग बड़े अजीब होते हैं। बिल्कुल ही इसमें जिंजर वाला टेस्ट आ रहा है और इसका फ्लेवर भी जिंजर एंड लाइम है, सो बिल्कुल जिंजर एंड लाइम का फ्लेवर आ रहा है। कोई इसके लिए 70 रुपये क्यों देगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये मेरे फ्रिज में पड़ी हुई है बहुत टाइम से और मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ लाभ उठाया जाए। किंगफिशर वालों, कोई नॉन अल्कोहलिक बियर निकालो सालो। हाइनेकन ने निकाल ली, बडवाइजर ने निकाल ली, आप तुम लोग सो रहे हो, ऊपर से ये कमबख्त लॉकडाउन। खैर एनीवे, इसको मैं दूंगा 5 में से 1 अंक, बहुत ही बेकार चीज़ है ये। अगर आपने कभी ज़िंदगी में दारू नहीं पी तो आपको शायद ये ठीक लग जाएगी, अगर आपने दारू कभी ज़िंदगी में पी है तो ये, और अगर आपको ये भी पीना है तो यकीन मानिए आप लाजवाब हो। मुझे ये फन के लिए कम, पनिशमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अगर आपको कभी किसी को पनिश करना हो या डेयर करना हो, या आपके बीच में कोई ऐसा दोस्त हो जो पीता नहीं और आपको उसका मजाक उड़ाना है, तो ज़रूर ये लेके आइए उनके लिए और उन्हें कहिए ऐसे पिए। बस यही था यार, और मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल बेकार चीज़ है। किंगफिशर, रैडलर, लाइम एंड गार्लिक फ्लेवर, डिस्गस्टिंग।